गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं IBPS RRB 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज, डाउट्स या आने वाले जिस चीज़ के बारे में स्टूडेंट्स को काफ़ी इंटरेस्ट है, उसके कुछ दो ज़रूरी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा रिगार्डिंग RRB PO इंटरव्यू कॉल लेटर। तो आप सभी को पता है RRB PO मेंस का रिजल्ट भी आ गया, आपका स्कोर कार्ड कट ऑफ सब कुछ रिलीज हो चुका है। अब बेसब्री से जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि RRB PO का अब इंटरव्यू कब होगा। इंटरव्यू तभी होगा ना जब इंटरव्यू का एडमिट कार्ड या कॉल लेटर रिलीज हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में हम जल्दी से डिटेल में बात कर लेते हैं। RRB PO का इंटरव्यू, आपको पता है कॉल लेटर आने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि लास्ट ईयर पे अगर हम जाएं, लास्ट ईयर को बेसिस लेके चलें, तो लास्ट ईयर 2018 का मैं यहाँ लिख देता हूँ और 2019 का हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 18 में क्या था, आपका PO मेंस का रिजल्ट आया था 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ गया था और अकॉर्डिंगली इंटरव्यू का कॉल लेटर, इंटरव्यू का एडमिट कार्ड या इंटरव्यू का कॉल लेटर आपका रिलीज हो गया था 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर मतलब अराउंड 15 डेज का गैप था। इस बार 2019 में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 25 अक्टूबर को। अगर आप उसी बेसिस पे जाएं, उसी 15 दिनों का अंतर देखें प्लस 15 देखें, तो अगर 25 में अगर 15 दिन आगे जाए तो अराउंड 9 नवंबर, अब इसमें प्लस माइनस 2 हो सकता है, 2 दिन, एक दो दिन पहले एक दो दिन बाद में आ जाए, पर इस डेट के अराउंड आप रिजल्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हार्ड एंड फास्ट एग्जैक्ट है, मैं बस आपको लास्ट ईयर का एनालिसिस दे रहा हूँ और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज 3 नवंबर है, बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है, विद इन ए वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर आ जाएगा। अब इंटरव्यू के कॉल लेटर में क्या क्या बताया जाएगा ये सुन लीजिए अच्छे से। आपका वेन्यू प्लस डेट्स प्लस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये तीनों चीज़ें आपको बताई जाएंगी। वेन्यू बताया जाएगा, डेट्स बताई जाएगी, प्लस डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी आपको लेके जानी है, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। जो काफ़ी समय से जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर अभी तक हमारे, जैसे मैंने RRB PO इंटरव्यू के लिए एक अच्छा वीडियो डाला था जिसमें हमारे जो लास्ट ईयर के जो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे राजस्थान ही मरुधर ग्रामीण बैंक में, जिनका सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, उनका ही इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने पूरा का पूरा, और कई इंपॉर्टेंट जो इंट्रिकेट बातें हैं, चाहे वो अटायर हो, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, क्वेश्चंस आस्क्ड या कैसे प्रिपरेशन, क्या क्या बातें, किस लैंग्वेज में इंटरव्यू लिया जाता है, सारी बारे में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने वहाँ पर कवर किए थे। तो उस वीडियो में काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट था, सर कब तक कॉल लेटर आएगा, अभी तक हमारे पास कॉल लेटर आया है, क्या हमें परेशान होना चाहिए। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर आप सिलेक्टेड हैं तो बस इंटरव्यू के लिए तैयारी करते रहिए। अब इंटरव्यू के लिए तैयारी करने वालों को एक छोटा सा पॉइंट है, रोजाना 1-1.5 घंटे से ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। और 1-1.5 घंटे किस चीज़ के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस को तैयार करने के लिए, प्लस आई होप आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव या कोई भी, आपने अगर इंटरव्यू बैच ज्वाइन कर रखा है उसमें आप लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू वाली सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने कोई ऑफिशियल बैच अगर इंटरव्यू का ज्वाइन नहीं कर रखा और घर पे ही आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, सर्टेन आपको क्वेश्चंस पता है क्या क्या, वो क्वेश्चंस आप बना के अपने फ्रेंड या किसी को भी दे सकते हैं, वो आपसे इंटरव्यू की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली पूछ सकते हैं और आप उनका रिप्लाई करने की आदत डालना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि जब इंटरव्यू की सिचुएशन आए तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और कॉन्फिडेंस इज द की, याद रखिएगा, इंटरव्यू में जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप होंगे उतनी ज़्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। ठीक है, बाकी आप वो वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक आपको शो हो जाएगा, फाइनल वीडियो के एंड में आपको एक थंबनेल शो होगा, वो उसी वीडियो करेगा, आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी RRB PO इंटरव्यू कॉल लेटर कब तक आएगा और क्या क्या चीज़ें आएंगी उसके अंदर सारी। ठीक है, अब बारी है हमारी देखने की RRB क्लर्क मेंस के बारे में। अब किसके बारे में बारी है, RRB क्लर्क मेंस के बारे में। तो काफ़ी RRB PO मेंस का तो रिजल्ट आ गया, अब सर काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर RRB क्लर्क मेंस का रिजल्ट कब आएगा, मतलब ऑफिस असिस्टेंट का मेंस का रिजल्ट कब तक रिलीज हो सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है क्लर्क के लिए मेंस के बाद नेक्स्ट और कोई फेज नहीं होता, बेसिकली कोई ऑफिशियल ऐसे फेज रहता नहीं है,
ऐसे कोई फेज रहता नहीं है, जब आपका क्लर्क का जो मेंस का जब रिजल्ट आता है उसी के साथ वो एक तरह से वो फाइनल रिजल्ट ही होता है, और उसके अंदर आपको सारी चीज़ें बताई जाती है कि रिजल्ट में ही आपको पूरा का पूरा स्कोर कार्ड शो होगा, पूरा का पूरा स्कोर कार्ड शो होगा जिसमें आपके टोटल कितने मार्क्स बने का सब्जेक्ट वाइज क्या क्या रहा, प्लस आपको उसमें वो भी बताया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर स्कोर एंड प्रेफरेंस और ये सारी चीज़ें देखती हुई आपको कौन सा रीजनल रूरल बैंक कौन सा आरआरबी प्लेस किया गया है वो आपका रिजल्ट के अंदर ही रहेगा। तो मेंस का रिजल्ट बेसिकली फाइनल अलॉटमेंट रहता है, प्रोविजनल अलॉटमेंट रहता है। अब ये आएगा कब ये बड़ा सवाल है। तो मैं जैसे हम पहले भी हमने रेफरेंस लिया था 2018 वाले रिक्रूटमेंट, लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें तो 1 जनवरी को, 1 जनवरी को आपका रिजल्ट आया था। तो आप इस साल भी 2019 वाले रिक्रूटमेंट में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी के अंदर ही रिजल्ट आएगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी से इंतजार मत कीजिए रिजल्ट का, रिजल्ट जनवरी में आएगा, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, पर अभी रिजल्ट के लिए वेट मत कीजिएगा। अब आपने क्लर्क मेंस के लिए अच्छा एग्जाम दिया है, आपको उम्मीद है, तो आप बाकी एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखिए। जैसे कि अभी LIC असिस्टेंट प्री का हुआ था, तो LIC असिस्टेंट मेंस की तैयारी कीजिए, IBPS क्लर्क प्री आने वाला है उसकी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अब उस पर क्लर्क मेंस पे फोकस मत कीजिए, उसमें तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा, जनवरी तक जाके रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आई होप ये दोनों टॉपिक्स, ये दोनों क्वेरीज हैं जो आपके डाउट्स थे वो आई होप इस सेशन में मैंने क्लियर किए हैं। इसके अलावा और कोई भी आपके स्पेसिफिक डाउट हो या आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाहें तो नीचे एक बार चल रहा है उसके अंदर हमारा ईमेल आईडी है simplylearningmaths@gmail.com, वहाँ पर आप मुझे मेल करके पर्सनली भी पूछ सकते हैं और मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट नाइट।